कैसे हो सभी लोग। तो आज न्यू वैकेंसी के साथ न्यू वीडियो में हम मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में वैकेंसी निकली है। वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, बट सैलरी आपको अच्छी दी जाएगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एम्स में सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट नोटिफिकेशन ही देख सकते हैं, वो है एडवर्टाइजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट नोटिस एट द कोविड केयर हॉस्पिटल सेटअप बाय एट IDPL बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट मैनेज्ड बाय एम्स ऋषिकेश। तो IDPL हॉस्पिटल है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सेट की है, बट एम्स ऋषिकेश इसको मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है प्योरली 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली हैं शॉर्ट टर्म। ये देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया 11 मई 2021 को आया है, सिलेक्शन आपका बेस्ड ऑन योर इंटरव्यूज होगा। तो यहाँ पर जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है कोविड केयर हॉस्पिटल जो कि एम्स ऋषिकेश के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, DRDO ने है जो हॉस्पिटल को ओपन करवाने में हेल्प की है। तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट निकाली गई है, 3 महीने के लिए आपको रखा जाएगा इस 500 बेडेड हॉस्पिटल में। हो सकता है जब ज़रूरत और ज़्यादा रहे तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है ये टाइम पीरियड। तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 300 वैकेंसी निकली, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BSc एंड GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो BSc वाले फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, बट GNM वालों के लिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का है जो एक्सपीरियंस मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें BSc इन MLT होना चाहिए आपके साथ, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो। जिन भी लोगों ने DMLT किया हो साथ ही साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो उसके लिए 100 पोस्ट है। सैलरी के लिए कहा गया है एज पर द नॉर्म्स जो भी रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। सिलेक्शन बेस्ड ऑन वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू होना है आपका। 10 मई से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं जो कि 31 मई तक चलने वाले हैं। 31 मई तक चलेंगे जो इंटरव्यू, 10 से 31 मई तक सुबह के 11 से लेके दोपहर के 2 बजे तक। तो इन 3 घंटों में जो इंटरव्यू होना है इसमें आपको डायरेक्ट जाके कहाँ जाना है, डीन अकेडमिक एट एम्स ऋषिकेश में आपका इंटरव्यू किया जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग डायरेक्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सभी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वैकेंसी हेल्पफुल रहे। तो आप पूरा नोटिफिकेशन यहाँ जाके एडवर्टाइजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म में पढ़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी क्वेरीज रहें तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए। और इसके पहले है जो वैकेंसी निकली थी, मैं बता दूँ इसका ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो बता चुकी हूँ, एम्स ऋषिकेश में प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए पोस्ट निकाली गई थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर। तो हो सकता है कि सभी लोगों ने अप्लाई किया हो ना किया हो, इसका मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो भी बता चुकी हूँ कि एम्स ऋषिकेश में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड थे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 27 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए हैं, अभी भी भरे जा रहे हैं, 17 मई तक फॉर्म भरे जाने हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है जो दी हुई है, पर एप्लीकेशन कितनी फ़ीस लगने वाली है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी चीज़ें। तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए क्या सैलरी है, टर्म्स एंड कंडीशन, इसका ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बता चुकी थी पहले, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।